पाकिस्तान, जिसके हालत आज कुछ ऐसे हैं। बहुत महंगा हो गया, गवर्नमेंट को चाहिए पेट्रोल सस्ता करे, गरीब आवाम बहुत मुश्किल में है इस टाइम। ये पेट्रोल महंगा कर दिया लोगों ने, अब गरीब आवाम को क्या रिलीफ दिया लोगों ने। ठीक है, जो एक सेहत कार्ड था इमरान खान का, वो भी छीन लिया लोगों ने। पाकिस्तान में कुछ ऐसा आर्थिक संकट चल रहा है जिससे पाकिस्तान के लोग चाय भी नहीं पी सकते। मैं अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो दो प्यालियां कम कर दें। साउथ एशिया में पाकिस्तान अकेले ही हर साल 600 मिलियन डॉलर्स चाय इंपोर्ट करने में खर्च करता है, पर आज पाकिस्तान के पास चाय इंपोर्ट करने के लिए भी पैसे नहीं है। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि पाकिस्तान के हालात कितने खराब है। पर अगर कोई देश पाकिस्तान को आर्थिक संकट से निकलने के लिए फंड करता है और पाकिस्तान को भी जितना फंड चाहिए था उतना मिल जाता है, तब पाकिस्तान इस आर्थिक संकट से बच सकता है। पर कोई भी देश पाकिस्तान को मदद करने के लिए रेडी नहीं है। पर क्यों और क्या पाकिस्तान इस आर्थिक संकट की वजह से कोलैप्स कर सकता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। पाकिस्तान इज इन अ स्टेट ऑफ मेस, द इकॉनमी इज इन द आईसीयू, द पॉलिटिशियंस आर एट वॉर एंड द पीपल आर क्राइंग फॉर हेल्प। बकवास है ये हम खुद हर शाख में उल्लू बैठा हुआ है, इस मुल्क के हर शाख में उल्लू बैठा हुआ है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पाकिस्तान की ये हालत कैसे हुई। साल 1980 से पाकिस्तान की इकोनॉमी में भारी गिरावट आ रही थी और उससे जो कुछ भी लॉस पाकिस्तान के बजट को हो रहा था उसको फुलफिल करने के लिए पाकिस्तान दूसरे देशों से कर्ज लेता था। पाकिस्तान पिछले कई सालों से अपने देश से आतंकवाद को खत्म करने में लगा हुआ है और आतंकवाद को खत्म करने के लिए कई देश पाकिस्तान को फंड भी करते थे और इस फंड से भी पाकिस्तान का बजट स्टेबल रहता था। पर जब कोविड-19 ने वर्ल्ड इकोनॉमी को इफेक्ट किया, तब लॉकडाउन के कारण पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब घरेलू उत्पादन को भी इसका इफेक्ट हुआ। और इसके अलावा यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की इंक्रीज हमें देखने को मिली, क्योंकि ये सब हेविली फॉरेन रॉ मटेरियल्स पर डिपेंड थे। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पर भी इसका बहुत इफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ज्यादातर इंडस्ट्रीज को बंद करना पड़ा। और इस सब का कारण है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन के साथ साथ आतंकवाद एक सबसे बड़ा कारण है। अब इन सब के बाद पाकिस्तान के लिए एक आखिरी रास्ता बचता है और उसका नाम है IMF। पर IMF ने भी काफी ज्यादा शर्तें रखी है, जैसे कि फ्यूल पे हाई टैक्स, रोज यूज होने वाले हर एक चीज पर ज्यादा टैक्स, और इसके साथ साथ कई शर्तें IMF ने पाकिस्तान के सामने रखी है। सऊदी अरेबिया और चाइना भी पाकिस्तान को फंड कर देंगे अगर IMF की शर्तों को पाकिस्तान मानता है तो, और अगर IMF फंड देने के लिए मना कर देता है तब शायद पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। अब ऐसे में इंडिया क्यों पाकिस्तान को फंड नहीं करता, तो इसका आंसर हमारे विदेश मंत्री ने कुछ ही दिनों पहले दिया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया की जनता जो कहेगी वो इंडिया की गवर्नमेंट करेगी, तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स के रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ऐसे ही नॉलेज लेते रहिए।